है दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिनय श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे हर एक ई रिक्शा वाले वीडियो को काफ़ी पसंद किया। दोस्तों, क्या आपने अपने ई रिक्शा का इंश्योरेंस करवाया है? या अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है फिर उसका रिन्यूअल नहीं किया और इंश्योरेंस फेल हो चुका है, क्या ई रिक्शा का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है? ये ऐसा सवाल है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो इस सवाल का एक एक कर मैं जवाब देता हूँ। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी मैं देने जा रहा हूँ ई रिक्शा के इंश्योरेंस से संबंधित। और हाँ, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक पहुँचे और आप उसे ज़रूर देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि इंडियन मोटर एक्ट के तहत ई रिक्शा का भी इंश्योरेंस ज़रूरी है। ये आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। सबसे पहले तो अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है तो उसके बदले एक रकम मिलती है जिससे आप अपना ई रिक्शा पुनः खरीद सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई कि अगर आपकी रिक्शा चोरी हो जाती है तो आपको उसके बदले रकम मिलती है और आप उससे अपना ई रिक्शा पुनः खरीद सकते हैं, इसलिए इंश्योरेंस ज़रूरी है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है जिसकी वजह से आपको इंश्योरेंस करा लेना चाहिए अपने ई रिक्शा का, वो ये है कि अगर आपके ई रिक्शा में किसी प्रकार की टक्कर हो जाती है, वो टूट जाती है या कोई डैमेज हो जाता है तो उसकी भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी करती है। यानी आपके ई रिक्शा के मरम्मत में जो खर्च आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो इसलिए भी आपके ई रिक्शा का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, शायद आपको पता भी होगा या नहीं भी पता हो सकता है, वो ये है कि अगर आपके ई रिक्शा से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे ऐसे कोई बात हो, ऊपर वाला ना करे ऐसी कोई बात हो, अगर आपके ई रिक्शा से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका भी क्लेम वो इंश्योरेंस कंपनी देती है जिससे आपने अपने ई रिक्शा का इंश्योरेंस करवा रखा है। तो दोस्तों, आप समझिए कि इंश्योरेंस का कितना महत्व है ई रिक्शा के लिए। और हाँ, अगर आपने अपने ई रिक्शा का इंश्योरेंस करा लिया है, साथ ही साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लेना चाहिए। इस पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, कृपया आप उसे देख लें। क्योंकि अगर आपने अपने ई रिक्शा का इंश्योरेंस करवाया भी है और कोई दुर्घटना घटती है तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस की मांग की जाती है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। उस समय अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं करते हैं, एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको वो क्लेम देने से मना कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी। तो कृपया अपने ई रिक्शा का इंश्योरेंस तो करवाएं ही करवाएं, साथ ही साथ अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो कृपया कर ई रिक्शा के लिए भी एक ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवा लें ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। और एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि जो इंश्योरेंस का क्लेम होता है उसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको कोई ड्रिंक या नशा किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो कृपया गाड़ी चलाते वक्त इसका भी ध्यान रखें कि आप ड्रिंक न करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ई रिक्शा का इंश्योरेंस कराना कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने खरीदते वक्त इंश्योरेंस लिया होगा जो कि कंपनियां देती हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप समय पे उसका रिन्यूअल भी करा लें। और अगर नहीं मिला हो आपको इंश्योरेंस तो किसी कंपनी से जाकर आप इंश्योरेंस ज़रूर करवा लें। दोस्तों, अगर आपको किसी अन्य चीज़ पे वीडियो चाहिए ई रिक्शा के अलावा भी तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। बहुत सारे भाई हमारे कमेंट कर सवाल पूछते हैं, मैं उन्हें कमेंट के माध्यम से ही जवाब देने की कोशिश भी करता हूं और उस पर शॉर्ट भी बनाता हूं ताकि उनको उनका जवाब मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो कृपया आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और आपको किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको बहुत बहुत नमस्कार।